edward morgan foster he was an english author best known for his novels particularly a room with a view howard's end and a passage to india he also wrote numerous short stories essays speeches and broadcasts as well as limited number of biographies many of his novels examine class differences and hypocrisy he was nominated for the nobel prize in literature in twenty separate years द नॉवेल टू इंडिया इज सेट अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ द ब्रिटिश राज एंड द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट इन द नाइनटीन ट्वेंटी तो इस नॉवेल में कब की बात बताई गई है जब ब्रिटिश राज था जब इंडिया में कोलोनियल रूल था सो द स्टोरी रिवॉल्व अराउंड फोर मेन कैरेक्टर्स डॉक्टर अजीज हिस्स फ्रेंड मिस्टर सरल फील्डिंग मिसिस मूर एंड मिस एडिला ड्यूरिंग अ ट्रिप टू दिक्कशियस मराबर केव एडिला थिंग्स शी फाइंड हर सेल्फ अलोन विद डॉक्टर अजीज and subsequently panics and flees. it assumed that दैट Aziz has attempted to assault her. तो इस नावल में दिखाया गया है डॉक्टर अजीज़ जो इंडियन मुस्लिम थे और अडिल ब्रिटेन से आई थी फिर डॉक्टर अजीज़ और अडिल एक ट्रिप पर गए थे जहाँ पर अडीला डॉक्टर अजीज से बेमतलब का डर जाती है और वहाँ से भाग जाती है और उसके ऊपर एक केस भी कर देती है अटेम्प टू असॉल्ट का फिर अजीज पर ट्रायल होता है केस चलता है लेकिन अजीज बाद में छूट जाता है और अजीज के अंदर जो पहले से चिड़ था ब्रिटिशर्स को लेके कि एक ब्रिटिशर और एक इंडियन कभी भी दोस्त नहीं बन सकते कभी भी उनके बीच में एक फ्रेंडली रिलेशन नहीं हो सकता ये जो उसका कॉन्सेप्ट था जो प्रेजुडिस था वो कंटिन्यू रहा ना लेट सी द समरी अब जो समरी में मैं डिस्क्रिप्शन यूज़ करूंगी आप उसे नोट्स की तरह यूज़ कर सकते हैं कोई भी रेलिवेंट क्वेश्चन हो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं तो नॉवल की सेटिंग कुछ इस तरीके से है 1900 चल रहा है ब्रिटिश राज है इंडिया में कॉलोनियल पीरियड है ये और एक फिक्शियस प्लेस के बारे में बात किया गया है जिसका नाम है चंद्रपुर तो इस नॉवेल के जो प्रोटेगानिस्ट है जिसका नाम है डॉक्टर अजीज अजीज अपने फ्रेंड से ये डिस्कस करते हैं कि क्या इंग्लिश मैन और इंडियन के बीच में कभी फ्रेंडशिप हो सकता है तो अजीज का डॉक्टर अजीज का इंग्लिश मैन के साथ कई बार एक बैड एक्सपीरियंस रहा है तो इस वजह से उनके अंदर एक प्रेजुडिस बैठ गया है कि जो इंग्लिश मैन है वो इंडियन के साथ कभी भी अच्छा रिलेशन मेंटेन नहीं कर सकते इसका रीज़न कुछ भी हो सकता है क्लास सुपीरियोरिटी रेस सुपीरियोरिटी पावर ये सारी चीज़ें हो सकते हैं इसके पीछे का रीज़न फिर आगे बताते हैं इस नोवेल में कि दो इंग्लिश वुमेन एक यंग एडेला होती है और एक एल्डरली मूर ये दोनों इंडिया ट्रेवल करती हैं एडिला जो है मूर के बेटे के साथ एंगेज रहती है जिसका नाम होता है रोनी रॉनी चंद्रपुर में एज अ ब्रिटिश मजिस्ट्रेट पोस्टेड है और एडिला और मूर इंडिया आती है इंडिया में ट्रेवल करने के लिए एक्चुअल इंडिया जो रियल इंडिया है उसे देखने के लिए आती है अब एडिला और मिसेस मूर इंडिया पहुंच एक इंग्लिश क्लब में जाती है जहाँ पे और भी बहुत सारे लोग रहते हैं कुछ इंग्लिश मैन रहते हैं कुछ इंडियंस रहते हैं उनके साथ ये अच्छे से बातचीत करते हैं लोग और अपने डिज़ायर्स को एक्सप्रेस करते हैं कि उनको रियल इंडिया देखना है और उसी रात मिसेस मूर वहाँ के लोकल मॉस्क में मिस्टर अजीज़ से मिलती है मिस्टर अजीज़ को मिसेस मूर से मिलकर अच्छा लगा इनफैक्ट वो थोड़ा सा सरप्राइज था कि कोई इंग्लिश पर्सन इतना सॉफ़्ट हो सकता है इतने अच्छे से बात कर सकता है फिर नेक्स्ट डे मिस्टर टर्टन नाम का एक इंग्लिश कलेक्टर एक क्लब में एक पार्टी होस्ट करता है जहाँ पे वो कई सारे इंडियंस को बुलाता है आ, हायर क्लास इंडियंस को बुलाता है ताकि वो लोग मिसेस मूर और एडिला से मिल सके अब इस पार्टी में जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स थे वो था साइरल फील्डिंग नाम का गवर्नमेंट कॉलेज का प्रिंसिपल मिस्टर टर्टन अजीज़ मिसिस मूर एडिला तो पार्टी काफ़ी देर तक चली सबको बहुत अच्छा लगा सबने बहुत इन्जॉय किया सबसे एक दूसरे से बातचीत किए फिर जो गवर्नमेंट कॉलेज का प्रिंसिपल था सायरल फील्डिंग उसे एडिला का नेचर बहुत अच्छा लगा कि वो कैसे इंडियंस के साथ बहुत अच्छे से मिक्स हो रही है तो इस बात पर उसने मिसिस मूर को और एडिला को अपने घर पर चाय पे बुलाया यहाँ एडिला ने फील्डिंग से रिक्वेस्ट किया कि वो अज़ीज़ को भी इन्वाइट करे और उसने ऐसा ही किया अब टी पार्टी स्टार्ट होने से पहले सब लोग इकट्ठा होने से पहले अजीज और साइरल फील्डिंग एक दूसरे से बातें करते हैं वो लोग अलग अलग रहते हैं कुछ टाइम स्पेंड करते हैं तो अजीज को फील्डिंग थोड़ा सा नेचर वाइज अच्छा लगने लगता है फिर ये लोग पार्टी को ज्वाइन करते हैं जिसमें एक हिंदू प्रोफेसर बोले, एडिला मिसिस मूर अजीज और फील्डिंग ज्वाइन किए रहते हैं तो पार्टी तब तक बहुत अच्छी चलती है जब तक रॉनी वहाँ पर नहीं आता रॉनी जो है मिसेस मूर का बेटा रहता है और एडिला से उसका एंगेजमेंट हुआ रहता है तो जब वो आता है तो पार्टी को पूरा खराब कर देता है लड़ाई झगड़ा शुरू कर देता है वहां पर और उसके इस बिहेवियर को देख के एडिला दोबारा सोचने लगती है कि मुझे इससे शादी करना चाहिए या नहीं तो उसने फाइनली डिसाइड कर लिया था कि वो रोनी से शादी नहीं करी फिर एक दिन अजीज मारा बार केव के लिए एक डे ट्रिप अरेन्ज करता है जिसमें अजीज यहाँ पर प्रोफेसर गोडबोले को बुलाता है साइरल फील्डिंग फिर मिसेस मूर और एडिला को लेकिन होता क्या है कि फील्डिंग और प्रोफेसर गोड बोले अपना ट्रेन मिस कर देते हैं वो लोग पहुंच नहीं पाते तो अजीज मिसिस मूर और एडिला अकेले ही चले जाते हैं फिर ये लोग यहाँ पर पहुंच के कई सारी चीज़ें देखते हैं एलिफेंट पे बैठते हैं केव्स देखते हैं लेकिन मिसिस मूर को केव से कुछ प्रॉब्लम होता है वहां पे जो इको आता है उसकी आवाज़ से वो डिस्टर्ब हो जाती है इसलिए वो आगे जाना कैंसिल करती बोलती है कि मैं आगे नहीं जाऊंगी तो इस पे सिर्फ अजीज और एडिला आगे चले जाते हैं अब ये दोनों अकेले रहते हैं ये लोग केव्स में घूमते रहते हैं तो इस पर एडिला जो है वो अजीज से कुछ मैरिज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछती है डिस्कशन करती है और पूछती है कि क्या उसके पास एक से ज़्यादा वाइफ है अब इस क्वेश्चन से अज़ीज़ को गुस्सा आ जाता है वो अकेले ही एक दूसरे केव में चला जाता है अपने गुस्से को कंट्रोल करता है फिर वापस से वो बाहर आता है तो देखता है एडिला वहां पर नहीं है फिर उसे वो ढूंढने लगता है तो देखता है वो एक हिल के नीचे खड़ी रहती है अब यहाँ पे फील्डिंग भी पहुंच जाता है अब इस पिकनिक साइट पे फील्डिंग जो पीछे छूट गया था जिसकी ट्रेन मिस हो गई थी वो भी यहाँ पर पहुंचता है तो देखता है एडिला बहुत ही जल्दबाजी में कार में बैठ के चली जाती है जबकि लोग आए थे ट्रेन में तो वो कार में अकेले चली जाती है बाकी लोग जो है वो ट्रेन से आते हैं और जब अजीज चंद्रपुर पहुंचता है तो उसे एडिला को एसॉल्ट करने के चार्ज में अरेस्ट कर लेते हैं अब इस केस के लिए सारे इंग्लिश जो है वो एक साथ हो जाते हैं लेकिन जो साइरिल फील्डिंग था वो अभी भी अजीज को इनोसेंट मानता था उसे लगता था अजीज ने कुछ नहीं किया है इसलिए वो अजीज को सपोर्ट करता था जिसके वजह से बाकी जो सारे इंग्लिश लोग हैं वो फील्डिंग से नाराज रहते हैं और मिसिस मूर का जो कंडीशन था वो और बिगड़ गया था क्योंकि वो केव में जब गई थी तो वो ईको की आवाज से उससे बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस होता था तो उस वो चीज़ अभी तक इसको कंटिन्यू हो रहा है और इस चीज़ से इरिटेट होकर रॉनी जो उसका बेटा है उसे वापस इंग्लैंड भेज देता है लेकिन जर्नी में ही बीच जर्नी में ही मिसिस मूर का डेथ हो जाता है फिर अजीज का ट्रायल शुरू होता है बहुत ही टेंस सिचुएशन रहता है फिर जब एडिला को क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या हुआ था कैसे हुआ था अजीज ने क्या किया तब वो खुद ही डिक्लेयर करती है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था उसने गलती से ऐसे बोल दिया उसको कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई अजीज़ ने केव में उसके साथ कुछ नहीं किया था फिर अजीज को रिलीज कर देते हैं और इंडियन इस चीज को सेलिब्रेट करते हैं फील्डिंग पहले से ही अजीज को सपोर्ट कर रहा था वो जानता था कि वो इनोसेंट है लेकिन जब एडिला ने डिक्लेयर किया तो वो इम्प्रेस हुआ एडिला से कि उसने सच का साथ दिया फिर रॉनी और एडिला का एंगेजमेंट भी टूट जाता है कुछ वीक एडिला वहां पर रहती है उसके बाद वो इंग्लैंड चली जाती है वापस ये सब होने के बाद अजीज को बहुत बुरा लगता है उसे बिट्रेड फील होता है मतलब उसको किसी ने धोखा दिया हो ऐसा फील होने लगता है ये सब चीजों का असर अजीज और फील्डिंग के फ्रेंडशिप पे भी पड़ता है फिर फील्डिंग जो है वो भी इंग्लैंड चला जाता है और अजीज को ये लगने लगता है कि फील्डिंग इंग्लैंड जाकर एडिला से शादी कर लेगा फिर दो साल बाद का सीन दिखाता है अजीज जो एक हिंदू एरिया माओ में रहने लगता है वो और भी ज्यादा एंटी ब्रिटिश हो जाता है उसके अंदर की जो पेट्रियाटिक फीलिंग्स है वो बढ़ जाती है वो इंडिपेंडेंट इंडिया का सपना देखने लगता है और वो ये अज्यूम करता है कि फील्डिंग अब तक एडिला से शादी कर लिया होगा लेकिन कुछ टाइम के बाद फील्डिंग अपने वाइफ और ब्रदर इन लॉ के साथ माओ विज़िट करता है और अजीज़ से मिलता है अजीज़ उनको देख के बहुत ज़्यादा सरप्राइज रहता है क्योंकि जो उसकी वाइफ रहती है फील्डिंग की जो वाइफ रहती है वो एडिला नहीं रहती बल्कि स्टेला रहती है मिसिस मूर की डॉटर और उन दिनों ही टाउन में हिंदू फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं अजीज को स्टेला का ब्रदर जो कि फील्डिंग का ब्रदर इन लॉ रहता है जिसका नाम होता है रेल्फ मूर उसे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है अजीज रेल्फ को घुमाने ले जाता है फेस्टिवल दिखाता है बोट राइड पे भी लेकर जाता है ये लोग वहाँ पे इंजॉय करते हैं बोट राइड करते वक्त अजीज का जो बोट है वो फील्डिंग के बोट से क्रैश होता है तक टकराता है इन दोनों के बीच में का जो मिसअंडरस्टैंडिंग रहता है वो सॉल्व होता है लोग दोनों फिर से नॉर्मल बिहेव करने लगते हैं लेकिन फिर अजीज़ फील्डिंग से बोलता है कि उन दोनों की फ्रेंडशिप तभी एकदम अच्छी हो सकती है जब ब्रिटिश इंडिया छोड़ देगा तो समरी में बस इतना ही अब थीम को डिस्कस करते हैं तो इस नोवेल का जो सबसे इम्पॉर्टेंट थीम है वो है कॉलोनियलिज्म और इम्पीरियलिज्म इसका मतलब क्या होता है जब कोई पावरफुल कंट्री जो मिलिट्रिल एडवांस हो जो फाइनेंशियली एडवांस हो वो कंट्री जब दूसरे कंट्री जो उससे छोटी हो उसको कंट्रोल करे तो उस सिस्टम को बोलते हैं इंपीरियलिज्म तो ये नोवेल इस टेंशन को हाईलाइट करता है जब ब्रिटिश राज था इंडिया में तो ब्रिटिशर्स के बीच में और इंडियंस के बीच में इनफैक्ट जो इंडियंस अपर क्लास के थे जो कुछ अच्छे पोस्ट पे थे उन लोग के बीच में भी कैसे मतलब टेंशन होते थे क्लैशेस होते थे वो सारी चीजें इसमें बताई गई है देन अनदर इम्पोर्टेंट थीम्स विच नॉवेल हाईलाइट इज फ्रेंडशिप एंड विट्रियल द नावल फोकस इज ऑन द इवॉल्विंग फ्रेंडशिप बिटवीन डॉक्टर अजीज एंड फिल्डिंग दोनों के बीच की फ्रेंडशिप दिखाई गई फिर उसे फिर डॉक्टर अजीज के ऊपर केस हुआ उस अरेस्ट हुआ तो उसको बिट्रेड फील हुआ डॉक्टर अजीज को भले ही बिट्रेड फील हुआ होगा मतलब उसे लगा होगा कि उस किसी ने उसको धोखा दिया है एडिला ने उसे एक्चुअली में धोखा दिया मतलब उसको जबरदस्ती उसको केस में फंसा दी थी लेकिन जो सैरिल फील्डिंग था जो उसका फ्रेंड बना था नया नया वो डॉक्टर अजीज को सपोर्ट करना नहीं छोड़ा वो जानता था कि डॉक्टर अजीज इनोसेंट है इनफैक्ट वो इंग्लिश लोगों के अगेंस्ट हो गया था उसको सपोर्ट करने के लिए देन नेक्स्ट थीम इज रेसिज्म एंड प्रेजुडिस फोस्टर क्रिटिक्स द रेशियल प्रेजुडिस एंड स्टेरियोटाइप प्रेवलेंट इन कॉलोनियल इंडिया एक्सपोजिंग द हार्मफुल इम्पैक्ट ऑन इंडिविजुअल्स एंड सोसाइटी फिर इसमें एक और इम्पॉर्टेंट थीम है वो है थीम ऑफ रिलीजन तो इसको हम एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आ सकता है कमेंट ऑन फोस्टर्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ थ्री रिलीजन्स इन हिज नॉवेल अ पैसेज टू इंडिया तो ये ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चन है तो सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन देना होगा आप इंट्रोडक्शन देख लीजिए आप इसे पॉज करके देख सकते हैं अब हम डायरेक्ट कंटेंट से स्टार्ट करते हैं जो मेन कंटेंट है A Passage to India is a novel in which the theme of religion is very prominent and throughout the novel the narrator discusses a number of different religions from those of Islam and Hinduism to Christianity as well as the concept of spirituality. अब इस चीज को इन्होंने समझाने के लिए सिम्बल्स का भी यूज किया है जहाँ पे मॉस्क दिखाया गया है इस्लाम को हाईलाइट करने के लिए केव्स स्पिरिचुअलिटी को टेम्पल हिंदुइज्म को Religious institutions and philosophies are key to the tensions presented in Foster's novel. Significantly, the first part of the novel is titled Mosque, and the third part is titled Temple each referring to the two major dividing religion in india islam and hinduism respectively foster presents these religions as neither good nor bad but rather as the part of the complicated network of social and cultural ideas and practices that shape and separate people we get some descriptions of islam and hinduism where the characters of अजीज एंड गोड़बोले तो इसमें जो दो कैरेक्टर थे एक मुस्लिम कैरेक्टर था अजीज और एक हिंदू कैरेक्टर था गोड़बोले तो हमको इनका जो डिस्क्रिप्शन है इस्लाम और हिंदुइज्म इनके कैरेक्टर से पता चलता है देयर इंटरेक्शन विद द स्ट्रक्चर एंड कस्टम्स ऑफ देयर रिस्पेक्टिव रिलीजन डिमॉन्स्ट्रेट सम कॉन्ट्रास्ट बिटवीन दैम फॉर एग्जाम्पल हियर इज अजीज थिंकिंग अबाउट इस्लाम वाइल टेकिंग रेस्ट इन साइड अ मॉस्क एट द बिगनिंग ऑफ द टेक्ट हिंदुइज्मिटी एंड हिंदुइज्मीडे प्रैक्टिस दैट ट्रीट ऑल लिविंग थिंग्स इंक्लूडिंग अस्प वास्प क्या होता है एक फ्लाई होता है वो येलो कलर का जो डंक मारता है फिर वहां पे एंग्लो इंडियंस भी है जो क्रिस्टनिटी को रिप्रेजेंट करते थे जिसमें रॉनी था जो मिसेस मूर का बेटा था ये लोग अपने रिलीजन को लेके कॉन्शियस थे लेकिन इतना ज्यादा उनके अंदर वो कट्टरपंथी नहीं था रॉनी एडमिट्स दैट फॉर हिम क्रिस्टियनिटी इज फाइन इन इट्स प्लेस बट ही डज नॉट लेट इट इंटरफियर विद सिविल ड्यूटी ऑन दी अदर हैंड मिसेस मूर इज बेसिकली क्रिस्टन इन हर आउटलुक हाउ एवर शी एक्सपीरियंसिस क्राइसिस ऑफ फेथ ड्यूरिंग हर विजिट टू मराबर केव्स एंड हर बिलवस इन गॉड और इन एनी मीनिंग ऑफ लाइफ इज डिस्ट्रॉयड तो फ्रेंड्स इस वीडियो में बस इतना ही आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो आपको अच्छा लगा हो अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए अब पैसेज टू इंडिया पर एक और वीडियो आएगा जिसमें और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगी आंसर के साथ तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए बाय